स्वामी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नारायण। मेरा पहला प्रश्न ये है कि आप लोगों ने जो आपत्तियां उठाई थी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर, उसके बाद से जिस तरह के अटैक किए जा रहे हैं आप लोगों पर, उसको आप किस तरह से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जो प्रश्न हमने उठाए वो किसी राग द्वेष से नहीं उठाए, बल्कि धर्मशास्त्र हमारे जीवन का अंग है और धर्मशास्त्र के आधार पर ही हम राम को, राम के मंदिर को और उसकी प्रतिष्ठा की विधि को जानते हैं। तो हमने शास्त्रीय प्रश्न उठाए और शास्त्र में मंदिर को भगवान का शरीर माना गया है और जो शिखर के ऊपर कलश होता है, शिखर को भगवान के नेत्र और कलश को भगवान का सिर माना गया है। तो ऐसी परिस्थिति में बिना नेत्र का, बिना सिर का जो मंदिर है वो बिना धड़ का, बिना सिर का धड़ ही है, विकलांग है, आप अपने शब्दों में आजकल जो प्रचलित हो गया है दिव्यांग कह सकते हो। तो हमारा ये प्रश्न था कि दिव्यांग मंदिर में सकलांग राम को कैसे बिठा सकते हो आप? राम तो विकलांग नहीं है और आपका मंदिर अभी विकलांग है, उसमें कैसे राम जी की प्रतिष्ठा कर सकते हैं? तो इस प्रश्न का शास्त्रीय उत्तर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हमारे साथ बहुत से पंडित हैं, विद्वान हैं। तो अगर पंडित विद्वान हैं तो वो इस बात को बताएं कि हीनांग मंदिर में प्रतिष्ठा किस आधार पर की जा रही है, और अगर कोई आपातकाल है तो आपातकाल निरूपित करें कि इन आपत्ति काल में हम ये काम कर रहे हैं, इसलिए आपत धर्म के अनुसार ये फिलहाल स्वीकार कर लिया जाए। तो ना तो किसी ने आपातकाल को प्रमाणित किया और ना तो किसी ने शास्त्रीय कोई उत्तर दिया। तो जब कोई उत्तर किसी के पास नहीं होता है तो वो फिर गुस्से में आ जाता है, आक्रमण करने लगता है। तो ये जो छवि बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही हैं, ये जो धमकी दी जा रही है, ये जो दूसरी तरह की बातें कही जा रही हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में है। आपने अभी कहा कि एक जो बहुत बुनियादी बात की आपने कि जब तक मंदिर पूर्ण नहीं होता, उसमें कलश की स्थापना नहीं होती, तब तक वहां प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्या था कि लोगों ने इस जो बुनियादी चीज है उनको भी ध्यान में नहीं रखा और एकदम से उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय कर दिया? अभी तक देखिए, बहुत से लोग बहुत सी बात कह रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे चुनाव की राजनीति है, और ये बात बहुत खुल करके बहुत सारे लोगों ने कह दी कि आप राजनीति कर रहे हैं, आप चुनाव के कारण जल्दी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी न तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट या उनका जो अक्षत है उसको बांटने वाली जो संस्थाएं हैं, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय सेवक संघ, भाजपा, ये जो लोग उनका अक्षत बांटने में सहयोग कर रहे हैं, इन किसी के भी द्वारा, किसी भी प्रवक्ता के द्वारा मंत्री जी हमारे ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। पूरा देश कह रहा है कि इसमें राजनीति हो रही है चुनाव की, क्यों नहीं जवाब देते हैं कि नहीं नहीं चुनाव की राजनीति नहीं है, ये कारण है। वो कारण अभी तक खड़ा होकर के किसी ने नहीं बताया कि आखिर क्या कारण है कि अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा की जा रही है, कोई तो बताए, हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि दरअसल ये चुनावी जरूरत थी बीजेपी की, प्रधानमंत्री मोदी की, इसलिए उन्होंने जो शास्त्र सम्मत तरीके हैं उनकी अनदेखी की और हड़बड़ी में एक चुनाव के पूर्व ये कार्यक्रम निर्धारित कर दिया? यही बात बहुत सारे लोग कह रहे हैं, हमारे कहने की जरूरत नहीं है, हमारे, हमको क्या लगता है इसको बताने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका जवाब देने के लिए तो कोई आगे आइए और कहिए तो कि नहीं नहीं ये वाला कारण नहीं है, दूसरा कारण है और वो कारण ये है। क्या जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है, भारत की जनता को, कि किस कारण से हड़बड़ी की जा रही है, जल्दबाजी की जा रही है, बिना मंदिर बने प्रतिष्ठा करने का उपक्रम किया जा रहा है? देश भी तो जानना चाहता है और जो राम भक्त इससे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने चंदा दिया है, उनके प्रति तो आपका दायित्व है कि आप बताएं कि अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा करने की जल्दबाजी आपके पास क्यों है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।